सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं मसाला आलू पूरी की रेसिपी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये कम टाइम में बन जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक बार जरूर आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मसाला आलू पूरी बनाने के लिए मैं ली हूँ 2 कप आटा, मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा ली हूँ और 4 उबले हुए आलू। मसालों में मैं यहाँ पे ली हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मंगरेल, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और पूरी को तलने के लिए ऑयल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन में आटा को डाल लेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। 2 से 3 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के और इसको अच्छे से मलेंगे हाथ से, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको इसी तरीके से हाथ से मले ताकि आटा जो है सॉफ्ट हो। ये देखिए, आटा को हम रिफाइंड में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी मसल के डाल सकते हैं, लेकिन हम ग्रेट कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से ग्रेट हो जाए, आलू में अच्छे से मिक्स हो। तो हम इसको ग्रेट करके डाल देते हैं ताकि इसका एक भी बड़ा टुकड़ा ना रहे और जब पूरी बने तो अच्छे से फूले। ये देखिए, हम ग्रेट कर लिए हैं सबको, इसी तरीके सारे आलू को ग्रेट कर देंगे। ये देखिए, सारे आलू को मैं ग्रेट कर ली हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अजवाइन और मंगरेल डाल देते हैं इसमें। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, उसका गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। गरम मसाला हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए दिए, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाले हैं। अब हम इसको पहले बिना पानी के मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू है तो आलू में पानी रहता है, तो हम इसको बॉईल किए हैं। तो सबसे पहले हम इसको बिना पानी के मिक्स करेंगे, तब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल के और पूरी बनाने के लिए आटे का डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, आटे को हम आलू में मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक टाइट डो इसका तैयार करेंगे पूरी के लिए। तो हम बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। हम थोड़ा सा पानी डाल के टाइट ही इसका तैयार करेंगे, क्योंकि पूरी जब बनाए तो थोड़ा सा आटे को टाइट ही गूंदे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, पूरी का डो बन के तैयार है। इसमें बस थोड़ा ही सा पानी लगा है, ज्यादा पानी नहीं डाले और एकदम आप देख सकते हैं एकदम टाइट डो, टाइट आटा हम गूंदे हैं। तो अब हम चलिए इसको बेल लेते हैं। अब हम छोटी छोटी इसका लोई लेंगे पूरी के साइज में और इसका पेड़ा बना लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम हाथ में तेल लगा लेते हैं और तेल लगा के ही हम इसको बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हम बना लिए हैं। इसी तरीके से 4-5 बना लेते हैं और 4-5 आपको हम बेल के दिखा देंगे। ये देखिए, 4 पेड़ा हम बना लिए हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। तो हम एक लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, बस थोड़ा सा, बस दोनों तरफ से तेल लगा के अब हम इसको बेलेंगे। आप देख सकते हैं तेल डाल के भी बेलने से कितना अच्छा ये बेला जाता है। तो थोड़ा सा और हम तेल इसमें लगा देंगे ऊपर से। दोनों तरफ से तेल लगा दिए और फिर बेलेंगे गोल गोल एकदम। बस थोड़ा सा उठा उठा के बेलते रहे इसको, एक क्योंकि ये इसमें हम आलू भी डाले हैं तो थोड़ा सा बेलने में दिक्कत होता है इसको। बस इस तरीके से बेले चारों तरफ से, ये आप देख सकते हैं एकदम गोल हो गया है। और इसी तरीके से हम एक और आपको बेल के दिखा देते हैं। ये हम प्लेट में डाल लेते हैं। इसी तरीके से हम एक और आपको बेल के दिखाते हैं। तो हम इसमें भी तेल लगा दिए हैं और इसको हम बेलेंगे। ये देखिए, ये भी हो चुका। इसी तरीके से हम
चारों पूड़ियाँ को बेल लेंगे और उसके बाद हम अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में। ये भी हो चुका है, अब हम इसको भी प्लेट में डाल लेते हैं और इसी तरीके से सब पूड़ी को हम बेल लेते हैं, उसके चलते हैं तलने के प्रोसेस में। ये देखिए चारों पूड़ियाँ को हम बेल लिए हैं, उसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं, अभी नहीं गरम हुआ है। तेल को एकदम अच्छे से गरम करना है और तेल एकदम अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक पूड़ी डालेंगे, उसके बाद इसको बस थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको फूलने देंगे आराम से। आप चाहे तो एक बार में दो पूड़ी भी कर सकते हैं, या देख सकते हैं पूड़ी एकदम फूल रहा है। इस तरीके से अब हम इसको पलट डालेंगे, देखिए हम इसको पलट दिए हैं और दूसरे तरफ से भी हम पकने देते हैं इसको अच्छे से। एक और पूड़ी हम आपको डाल के दिखाते हैं, एक और पूड़ी हम डाल देते हैं क्योंकि बड़ा कढ़ाई है तो इसमें एक और पूड़ी तल सकते हैं आराम से। अगर आपका छोटा है तो आप एक बार में एक ही पूड़ी को तले, और बड़ा है तो एक बार में दो से तीन आप तल सकते हैं। ये देखिए इसको भी हम प्रेस करते हुए इसको भी हम फुला लेंगे। और ये देखिए ये भी फूलने लगा है, उसको पलट देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम तलेंगे और उसके बाद निकाल देंगे। ये देखिए एक पूरी तैयार है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये भी लगभग बन के रेडी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और एक और पूरी हम आपको तल के दिखा देते हैं। तेल जो है एकदम गर्म होना चाहिए तभी पूरी जो है फूलेगा, तो बस इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते जाइए। इसको पलट देंगे और इसी तरीके से हम सारी पूरी को तल लेंगे और आलू मसाला पूरी बनके रेडी है। ये देखिए दोस्तों आलू मसाला पूरी बनके रेडी है, आप इसे अचार या किसी भी सब्जी के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊँगी, तब तक के लिए बाय।